नमस्कार आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी बच्चे हैं उन बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग किस प्रकार से करेंगे, वृद्धि निगरानी का जो डिटेल्स है उन सभी बच्चों में किस प्रकार से भरेंगे और जो भरने के बाद जो कलर शो होगा उस कलर से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये बच्चा किस कैटेगरी में गया हुआ है और साथ ही साथ कितने महीने के बाद उन बच्चों का जो वज़न और हाइट है उनको नापा जाएगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में क्लियर मिलने वाली है। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग का जो डिटेल्स है वो आप सभी आसानी से भर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप सभी से बोलता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा और हम आपके लिए इस प्रकार से नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि नया अपडेट आने के बाद दो कैटेगरी सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाती है, तो हमको सबसे पहले वाले कैटेगरी को ओपन करना है जो है बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन। तो चलिए यहाँ पे जो बच्चे दिख रहे हैं 0 से लेके 6 साल तक, इन बच्चों का वज़न कितने महीनों पर किया जाता है। तो जैसे कि 0 महीने से लेके 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनका वज़न आपको हर महीने अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को बुला के वज़न और हाइट वेट आपको नापना होता है। उसके बाद 3 साल से लेके 6 साल के जो बच्चे हैं उनको हर तीसरे महीने पे इनका वज़न और हाइट लेना होता है। जैसे कि देखिए अगर 0 से लेके 3 साल तक के जो बच्चे हैं अगर वो कुपोषित पाए जाते हैं तो उन बच्चों को आप लोग हर 15 दिन पर यानी कि महीने में 2 बार उनका वज़न करना है। उसके बाद 3 से लेके जो 6 साल के बच्चे हैं अगर इन बच्चों की कैटेगरी में कोई बच्चा अति कुपोषित मिलता है तो उन बच्चों को हर महीने उसका वज़न करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो 0 से 6 मंथ के बच्चे हैं उनका हाइट और वेट किस प्रकार से डालेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ये जो कलर दिखा रहा है इन कलर का मतलब क्या होता है। जैसे कि आमतौर पे जो कलर दिखाया जाता है उस कलर से हम लोग पहचान सकेंगे कि ये बच्चा किस कैटेगरी में आएगा। तो जो ये बिना कलर वाला है, जैसे कि इस बच्चे का कलर नहीं दिखा रहा है, तो इस बच्चे का कलर इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने इस बच्चे को अभी अभी जो है कि माइग्रेट करके इस बच्चे को अभी डिटेल्स भरा है, इसलिए 0 मंथ का जो भी बच्चा है वो उसका कलर नहीं शो करेगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग 1 महीने के बाद इस बच्चे का वज़न और हाइट वेट नाप के इस बच्चे का डिटेल्स भरेंगे उसके बाद जो भी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी में इस बच्चे का वजन कलर दिखने लगेगा। तो ये जो येलो कलर का ऑप्शन दिखा रहा है जो कलर है उस कलर से हम लोग पहचानेंगे कि ये बच्चा मैम की कैटेगरी में आता है, यानी कि मध्यम अति कुपोषित बच्चा इसको बोलेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे ग्रीन कलर का ऑप्शन देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है यहाँ पे हेल्थ स्टेटस में ही आपको शो होने लगेगा कि ये बच्चा किस प्रकार का किस कलर में है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये बच्चा मैम की कैटेगरी में आएगा तो यहीं पे आप लोग देख पाएंगे मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। उसके बाद जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है इसमें देखेंगे कि ये बच्चा नॉर्मल है, यानी कि जितना इसका हाइट होना चाहिए जितना वेट होना चाहिए वो इस बच्चे का उतना है, इसलिए इस बच्चे को नॉर्मल शो हो रहा है। उसके बाद एक और कलर होता है जो कि रेड कलर है, जैसे कि मैं आपको इस वाले कैटेगरी में ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 6 मंथ से लेकर 3 साल के बच्चे की कैटेगरी हमने ओपन की है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि रेड कलर और इसके बाद जो आता है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने येलो और ग्रीन का मतलब आपको बता दिया और जैसे कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का कमेंट आता है कि ये जो ऑप्शन दिखा रहा है इस वाले ऑप्शन के जगह पे हमें ब्लू कलर का लाइन शो हो रहा है, यानी कि ब्लू कलर का घेरा शो हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रीन येलो और रेड ना होकर ब्लू कलर का अगर आप लोगों में घेरा शो हो रहा है
तो उसका मतलब यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि उसका मतलब यहाँ पे लिखा होगा ओबीज। उस कलर का मतलब हुआ कि उस बच्चे में मोटापे के कारण वो बच्चे का कलर ऐसा दिखा रहा है। तो जिस बच्चों का कलर ब्लू दिखा रहा है उस बच्चों का वज़न नॉर्मली तौर पे जितना वज़न होना चाहिए उस वज़न और हाइट से उस बच्चे का वज़न और हाइट ज़्यादा होगा, इसलिए उस बच्चे का कलर ब्लू कलर में दिखा रहा होगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि बच्चे का जो हमने वो हाइट और वेट डाला है गलती से कहीं ज़्यादा वज़न और हाइट तो नहीं डाल दिया है। अगर गलती से आप लोगों ने डाला होगा तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अगर रियली में ऐसा वज़न है तो उस बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि उस बच्चे का वज़न कम हो जाए। और आप लोग तो जानते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा मोटा होता है उसमें बीमारी बढ़ने का खतरा होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रेड कलर का ऑप्शन है इस वाले कलर को हम लोग बोलते हैं सैम, यानी ये बच्चा अति कुपोषित है। देखिए और यहाँ पे समझिएगा, जो भी रेड कलर दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे में ये सभी अति कुपोषित हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमने अभी इस बच्चे का जो हाइट और वेट है यहाँ पे नहीं डाला है इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। हाइट और वेट डालने के बाद अगर इस प्रकार का कलर आपको दिखा रहा है तब समझिए कि ये बच्चा अति कुपोषित है। तो चलिए हम आपको इस बच्चे की हाइट और वेट डाल के आपको दिखाते हैं कि ये बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है। हाइट और वेट डालने के लिए आपको सिंपली थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बच्चे की विकास की निगरानी ग्रोथ मॉनिटरिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पहले जो अपडेट था जिसमें कि इंच और सेंटीमीटर दोनों शो हो रहा था, यहाँ पे इंच और सेंटीमीटर लिख रहा था, लेकिन जो ये नया वाला अपडेट आया है उस अपडेट में सिर्फ सेंटीमीटर का ही ऑप्शन दिया है। जैसे कि पहले वाले अपडेट में आप इंच में डालिए तभी सेंटीमीटर में जाता था और सेंटीमीटर में डालें तभी सेंटीमीटर में ही लेता था, इसलिए उस ऑप्शन को हटा दिया गया है। तो चलिए अब सेंटीमीटर और बच्चे का वज़न डाल के आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए इस बच्चे की हमने हाइट डाल दी है 86 सेंटीमीटर और जो बच्चे का वज़न है वो है 10 किलो 200 ग्राम। तो 10 किलो 200 ग्राम के जगह पे आप लोग 10.2 लिख देंगे तो उस बच्चे का वज़न इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे हमने इस बच्चे की हाइट और वेट दोनों डाल दिया है। डालने के बाद हम सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुल लिख के आएगा। तो देखिए जैसे ही वहाँ पे आप लोग सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे वज़न दिखा देगा जो कि मैंने 86 सेंटीमीटर डाला था और जो बच्चे का वज़न है 10.200 ग्राम, यानी कि उस बच्चे का जो हेल्थ स्टेटस दिखा रहा है वो बच्चा यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी कैटेगरी है कैटेगरी वाइज सभी बच्चों का हेल्थ स्टेटस जो है वो आप लोग देख पाएंगे और जो बच्चे हैं उन सभी का ग्रोथ मॉनिटरिंग किस प्रकार से करेंगे वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ग्रोथ मॉनिटरिंग का जो डिटेल्स है उसको भरना सीख गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पोषण ट्रैकर ऐप में तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए जिसका मैं रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि कई कमेंटों का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ तो उन सभी को वीडियो के माध्यम से ज़रूर उसका रिप्लाई उसको वीडियो में ही क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।